वेलकम दोस्तों, ऐसे मित्र कोर्स ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नई अपडेट बताई गई है। तो दोस्तों सफाई कर्मचारी भर्ती का नया नोटिस क्या जारी किया गया है और क्या बातें बोली गई है, वो सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का नया नोटिस जारी, आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को दी छूट, अब 20 नवंबर 2024 तक कर सकेंगे आवेदन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके जो आवेदन की लास्ट तारीख थी दोस्तों वो 6 नवंबर थी, लेकिन दोस्तों इस तिथि को बढ़ाकर अब 20 नवंबर कर दिया गया है। एक तो ये बदलाव किया गया है इस फॉर्म के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर क्या बातें बोली गई है वो सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान स्वास्थ्य शासन विभाग ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार शासन विभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के कुल 23,820 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 27 सितंबर 2024 को विज्ञापन संख्या 2/2024 जारी कर दिनांक 7 अक्टूबर 2024 से दिनांक 6 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अब सफाई कर्मचारी पद हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20 नवंबर 2024 तक बढ़ाई जाती है, एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों में संशोधन दिनांक 21 नवंबर 2024 से दिनांक 5 दिसंबर 2024 तक रात्रि के 12 बजे तक किया जा सकता है। और दोस्तों अगर आपने सफाई कर्मचारी फॉर्म अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद आपको बाद में यहां पर कोई गलती दिखाई देती है तो आप उसके लिए यहां पर संशोधन कर सकते हैं। 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में आप संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर। इसी के अंदर दोस्तों बताया गया है कि राजस्थान स्वास्थ्य शासन विभाग की ओर से राज्य में 23,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अभ्यर्थी अब 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। DLV ने आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर रखी थी, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की वजह से करीब 10,000 आवेदन ही आए थे। तो दोस्तों अब तक यहाँ पर 10,000 आवेदन ही पहुँचे हैं। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए विरोध, तो दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र जो अपलोड किया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर वाल्मीकि समाज ने विरोध जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बातें बताई गई है वो देखिए। अब DLV डायरेक्ट ने इसकी तारीख बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है, यह आप सभी को पता है। वहीं आवेदन में होने वाली संशोधन को अब 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ठीक किया जा सकेगा। तो जो भी फॉर्म के अंदर आपकी गलती है उसको 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ठीक किया जा सकेगा। वही सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों से मांगे जा रहे अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध शुरू हो गया है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उप अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने समाज के लोगों से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लेने की मांग की है। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी आयोग जो है, जो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती निकाली गई है, उस बोर्ड को बोला गया है कि आप वाल्मीकि समाज के लोगों से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र का जो है उसका विरोध चलना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसी के अंदर दोस्तों बताया गया है, समाज के लोगों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र ख़त्म नहीं किया तो संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज हड़ताल करेगा, इसका अंजाम अधिकारियों और सरकार को भुगतान पड़ेगा। सरकार को तुरंत प्रभाव से वाल्मीकि समाज को शिथिलता देते हुए अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हटाना चाहिए। तो दीपक डंडोरिया का यहाँ पर कहना यह है कि वाल्मीकि समाज के जितने भी कैंडिडेट हैं जो आवेदन कर रहे हैं उनसे अनुभव सर्टिफिकेट नहीं लिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन के लिए योग्यता, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर अनपढ़ अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वास्थ्य शासी संस्था अर्ध सरकारी संस्थान में संबंधों को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है।
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट यहाँ पर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, जिसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों सदस्य बनने के लिए हमारे चैनल के, उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। आप हमारे चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।